पूरी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं मंजरी आर्य भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र का बदमाशों ने किया अपहरण, 1 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती। गढ़हरा ओपी क्षेत्र के गढ़हरा का रहने वाला है पीड़ित, क्रिकेट खेलने के लिए निकला था घर से। बेगूसराय जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फिरौती के लिए स्वर्ण व्यवसायी के 16 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिया। मामला पुत्र गढ़हरा ओपी क्षेत्र के गढ़हरा वार्ड 7 का है। बदमाशों ने क्रिकेट खेलने जा रहे स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र का अपहरण कर परिजनों से फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की है। घटना को लेकर व्यवसायियों में जबरदस्त आक्रोश है। व्यवसायियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया है। मिली जानकारी के अनुसार बारो बाजार स्थित ज्वेलरी दुकानदार मुकेश ठाकुर के लगभग 16 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार रविवार की सुबह घर से क्रिकेट की प्रैक्टिस करने निकला, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें मोहित के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि अपहृत मोहित के मोबाइल से ही बदमाशों ने परिजन को फोन कर 1 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में मांग की। एसपी अवकाश कुमार ने फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए बदमाशों की ओर से मांगे जाने की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी टीम गठित की गई है। जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। जो है डेली खेलने के लिए जाता है रेलवे इंटर कॉलेज में, वही दरमियान में सुबह 6 बजे का ये घटना है। सुबह 6 बजे वो घर से गया है और रास्ते में उसको जो है वहाँ से किडनेपिंग किया गया। रेलवे इंटर कॉलेज, हाँ, रेलवे इंटर कॉलेज से 10 कदम पहले उसको वहाँ पर से किडनेपिंग किया गया। दो लड़के, जिसमें दो लड़का था। साथियों